एटा जिले में बाबा का बुलडोजर विवादों में घिरता जा रहा है। कल एटा के सिविल लाइंस में बाबा मुल्ले शाह की दरगाह को जिला प्रशासन की तरफ से बिना किसी नोटिस और कानूनी आदेश के ध्वस्त कर दिया गया था। इसी मामले में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को एटा भेजा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एटा पहुंचे 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर से तोड़ी गई बाबा मुल्ले शाह की दरगाह का निरीक्षण किया और मामले की जांच की। प्रतिनिधि मंडल ने दरगाह के केयर टेकर प्रेमपाल सिंह, सोनू कुमार और आसपास के लोगों से बातचीत कर मामले की हकीकत को जाना। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष कन्नौज के पूर्व सांसद और वर्तमान में दिव्यापुर के विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर यह 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आया है। देश भावना के तहत दरगाह तोड़ने की कार्रवाई का हम विरोध कर रहे हैं और इसकी पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। धर्म कोई भी हो, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अगर इनको तोड़ने की कार्रवाई करेंगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। बिना प्रमाण के चाहे दरगाह हो चाहे मंदिर हो, नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसकी जांच रिपोर्ट वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेंगे और दरगाह को बुलडोजर से ध्वस्त करने के मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे और विधानसभा के पटल पर भी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।